तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वालों कि यूएसबी केबल से मोबाइल को कंप्यूटर में वेबकैम कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो मोबाइल है, तो मोबाइल का कैमरा है उसको हमें कंप्यूटर में देखना है, वो भी यूएसबी केबल से। तो आपको आसान तरीके मोबाइल को वेबकैम बना के पीसी में देख सकते हो। तो दोस्तों जितना प्रोसेस है, तो सभी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले वीडियो को शुरू करें। तो आपको पीसी को ओपन कर देना है। तो यहाँ से मैंने पीसी को ओपन कर दिया है और उसमें आपको इंटरनेट को कनेक्ट कर देना है। और कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देना है। तो चलिए ऐसे मैं पीसी में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर देता हूँ। तो वैसे आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको टाइप कर देना है ड्रॉइड गेम। तो यहाँ से मैंने टाइप कर दिया है। तो वैसे आपको ड्रॉइड गेम फॉर पीसी आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ से आपको कई सारे जो साइट है यहाँ से आपको दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको दूसरे नंबर पे क्लिक कर देना है, जो ड्रॉइड गेम डाउनलोड है तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो प्री डाउनलोड है तो उसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉइड गेम है वही आपको पीसी में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करके आपको यहाँ पे वेट करना है। और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉइड गेम है यहाँ से आपका पीसी या लैपटॉप में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम वेट कर देते हैं और वेट करने के बाद आपको यहाँ पे जो डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तभी आपको उसको इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ से हमारा पीसी में डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से आपको शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो ड्रॉइड गेम है उसको आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करके आपका पीसी में इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो वैसे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आई एग्री पे क्लिक करके सभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका पीसी में जो ड्रॉइड गेम है यानी कि ड्रॉइड गेम जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पीसी में जो ड्रॉइड गेम है यहाँ से हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो वैसे आपको इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए ऐसे मैं स्क्रीन को ऑफ करके सभी लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हमें यूएसबी केबल से मोबाइल को कैमरा बनाना है, यानी कि मोबाइल को वेबकैम बनाना है। तो आपका मोबाइल है तो उसमें आपको सेटिंग करना है। तो आपका जो मोबाइल है तो उसमें आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो सिस्टम सेटिंग है तो उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन होता है तो उसमें आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया है और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो यूएसबी डबिंग है उसका जो ऑप्शन है आपका जो मोबाइल में ऑफ रहता है तो उसको आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ से मैंने ऑन कर दिया है। तो वैसे आपको मोबाइल में इतना सेटिंग कर देना है और आपको मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है और उसमें आपको यहाँ पे ड्रॉइड गेम है वही आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। लेकिन आपको जो यूएसबी केबल है उसको आपको पीसी से मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं जो मोबाइल है उसको यहाँ से मैं यानी कि जो केबल है यहाँ से मैं मोबाइल में कनेक्ट कर देता हूँ। तो वैसे आपको यूएसबी केबल को मोबाइल में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो वैसे आपको कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ड्रॉइड गेम है आपका मोबाइल में तो उसको ओपन करना है। लेकिन यहाँ से आपको ट्रांसफ़र फाइल को सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो सबसे पहले नेक्स्ट का ऑप्शन होता है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे वेट कर देना है। तो आपका जो पीसी है उसमें जो यूएसबी वाला ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए ऐसे मैं मोबाइल को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको ड्रॉइड गेम ऐप है तो उसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है यूएसबी उसमें क्लिक करके साइट में आपको यहाँ से जो प्रोसेस का ऑप्शन है रिफ्रेश का ऑप्शन है उसमें क्लिक करके आपको अलाउ पे मोबाइल में क्लिक कर देना है। तो
तो यह हमने अलाउ पे क्लिक कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा जो मोबाइल अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से आपको साइट में रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो मोबाइल का नाम है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। तो चलिए ऐसे में रिफ्रेश का ऑप्शन है तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। तो वैसे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपका जो मोबाइल का नाम है यहाँ से आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ऐसे में स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो मोबाइल की स्क्रीन है, मोबाइल का कैमरा है, यहाँ से हमारा पीसी में शो हो रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से जो पूरा प्रोसेस है यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपका जो मोबाइल है, तो मोबाइल का जो लॉक हो जाता है उसका भी कैमरा है यहाँ से आपको पीसी में देख सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो पूरा मोबाइल है यहाँ पे हमारा पूरा वेब गेम बन चुका है। तो आपका जो कैमरा है उसकी ज़रूरत नहीं है, पूरा जो मोबाइल है उसका जो कैमरा है यहाँ से आपको कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, वो भी यूएसबी केबल से। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो वैसे आपको यूएसबी केबल से जो मोबाइल को वेब गेम बना के कंप्यूटर में चलाना है, कंप्यूटर में देखना है, तो वैसे आपको असंद रख के कर सकते हो। हमारा जो मोबाइल है उसका जो लॉक हमने कर दिया है, फिर भी हमारा कैमरा चल रहा है। तो वैसे आपको मोबाइल का कैमरा है तो वही आपको कंप्यूटर में चला सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से मैं लाइव करके आपको बता रहा हूँ। तो आपने अभी जो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से जो पूरा मोबाइल का वेब गेम है वही हमारा पीसी में चल रहा है। तो आपको कई सारे जो ऑनलाइन पेज जरूरत पड़ती है, तो वैसे आपको असंदर की यूएसबी केबल से जो पूरा मोबाइल है उसका कैमरा है वही आपको कंप्यूटर में चला सकते हो, लेकिन आपको डिसकनेक्ट करना है। तो चलिए ऐसे में जो मोबाइल में केबल को लगाया है यहाँ से मैं केबल को हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा डिसकनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करना है तो आपको लगा के कनेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना।